आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, आवर क्वेश्चन इज गिव द सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैम H1 एंड KPN1। सबसे पहले तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होती हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके कहाँ से मिलते हैं? बैक्टीरियल सेल से मिलते हैं, बैक्टीरियल सेल से। और ये करते क्या हैं? ये वो पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं। किसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं? रेस्ट्रिक्ट इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया बाय वायरसेस। और अब जो पर्टिकुलर आपके वायरसेस जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? बैक्टीरियोफेज। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमें बैक्टीरियल सेल्स में मिलते हैं और ये रेस्ट्रिक्ट करते हैं इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया बाय वायरसेस। अब हमसे पूछ रखा है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं बैम H1 और KPN1, ये हमें किस सोर्स से मिलते हैं? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारा बैम H1 जो है वो हमें मिलता है किससे? बैसिलस एमाइलोली क्यूफेसियंस। ठीक है, ये आपका एक बैक्टीरिया का नाम है एमाइलोली क्यूफेसियंस। ठीक है, वही अगर हम बात करें आपकी कि KPN1 हमें कहां से मिलता है, तो ये हमें मिलता है क्लैबसिला न्यूमोनियाई। ठीक है, तो आपका सोर्स पूछ रखा था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का सोर्स क्या है। बैम H1 का है बैसिलस एमाइलोली क्यूफेसियंस। ठीक है, और KPN1 का है क्लैबसिला न्यूमोनियाई। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते क्या हैं और ये पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमें मिलते कहाँ से हैं, इनका सोर्स क्या है। विद दिस थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।